पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी। सदर टीपीसीसी रेवंत रेड्डी एमपी की क्यादत में बदंगपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर प्रजाता नरसिम्हा रेड्डी के बशमूल 5 कॉरपोरेटर्स ने नई दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। शामिल होने वालों में सुदर्शन रेड्डी डिवीजन 20 कॉरपोरेटर्स, नवाज रेड्डी डिवीजन 23 कॉरपोरेटर भी शामिल है। इस मौके पर सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का भी मौजूद थे। मेयर और 4 कॉरपोरेटर्स का ताल्लुक से बताया गया है। कांग्रेस रुकन असेंबली व कारगुजार सदर टीपीसीसी जयप्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में मुनक़दा बीजेपी का कौमी अराकीन आमला का इजलास नाकाम हो गया। कौमी आमला का ये इजलास शादी की एक तकरीब से ज्यादा कुछ नहीं था। तेलंगाना आवाम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कई उम्मीदें वाबस्ता की थी कि वो तेलंगाना की तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कुछ न कुछ ऐलान करेंगे या फिर शहरियों के बैंक अकाउंट में फीकस 15 लाख रुपए या सालाना 2 करोड़ नौजवानों को रोज देने से मुतालिक अपने वादे को पूरा करते हुए कोई ऐलान करेंगे, लेकिन अफसोस के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बगैर कुछ कहे वापस हो गए। बीजेपी के इस कौमी इजलास से तेलंगाना को कोई फायदा नहीं हुआ। इजलास के दूसरे रोज सिकंदराबाद में मुनक़दा जलसेआम भी नाकाम रहा, जिसमें बीजेपी कायदी ने 15 लाख आवाम की शिरकत का दावा किया था, ताहम 1 लाख से कुछ बढ़कर लोग नहीं थे। ऐसा महसूस होता है कि मोदी का डबल इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा। जग्गा रेड्डी गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि बीजेपी कायदीन को सिवाय जहराफशानी करने के बजाय मसाइल पर बात करना नहीं आता, वो बार बार झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। पहले कई बातों को बार बार दोहराने को अपना वतीरा बना लिया है। दफ्तर मुखनना टीआरएस पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने गुज़िश्ता रोज बीजेपी की जानिब से मुनक़दा जलसेआम पर अपना रद्दमल जाहिर किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पानी फंड्स और रोजगार के मसले पर दिए गए बयान का जवाब देते हुए हरीश राव ने कहा कि क्या अमित शाह इस बात से इनकार कर सकते हैं कि तेलंगाना को अपने हिस्से का पानी हासिल नहीं हुआ है। अगर उन्हें इस बात का पता नहीं है तो वो रियासत के किसानों से दरियाफ्त कर सकते हैं। पानी के हुसूल की वजह से ही बेहतरीन फसलें उगाई जा रही हैं। वजीर फाइनेंस ने कहा कि खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों से 1 लाख करोड़ रुपए मालियती धान खरीदा गया। अगर पानी नहीं हासिल हुआ तो इतनी बड़ी मकदार में धान की काश्त किस तरह मुमकिन हो पाती। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में पंजाब के बाद सबसे ज्यादा धान की पैदावार तेलंगाना में ही हुई है। यह आदाद व शुमार नीति आयोग की जानिब से जारी करदा है। गोदावरी और कृष्णा के पानी से तेलंगाना में बंजारा अराजियत और सैराब किया गया है। हरीश राव ने कहा है कि रियासत में पानी के मुतालिक बीजेपी कारकुनों के बजाय किसानों से दरियाफ्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में जरिए सरगर्मियों में इजाफा की शरह 3% है, जबकि तेलंगाना में ये शरह 10% है। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को मशवरा दिया कि वो मुकम्मल मालूमात के बगैर बयानात देने से गुरेज करें। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। हम जिंस परस्त जोड़े के फिल्मसाज अभिषेक राय और चैतन्या शर्मा ने मुबाशरत की तकरीब में शादी के बंधन में बंध लिया। कोलकाता से ताल्लुक रखने वाले एक हम जिंस परस्त जोड़े की शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया सार्फिन की तमाम तर तवज्जो मबजूल हो गई है। फैशन डिजाइनर अभिषेक राय ने अपने दरिना साथी चैतन्या शर्मा से एक करीबी तकरीब में शादी की, जो कम्युनिटी के लिए उम्मीद की किरण के तौर पर खड़ी है। सोशल मीडिया पर आने वाली तस्वीर के मुताबिक ऐसा लगता है कि शादी तमाम हिंदू रसूमात की पैरवी की गई, जिसमें एक पादरी मंत्रों का जाप, वरमालों का तबादला और जोड़े की तरफ से मुकद्दस आग के गिर्द उठाई गई मन्नतें शामिल हैं। शादी की दिलकश तस्वीर में अभिषेक राय ने धोती और कुर्ते में रिवायती बंगाली दूल्हे के मुताबिक लिबास पहनने का इंतखाब किया, जबकि चैतन्या ने एक शेरवानी
शेरवानी पहनी थी। कोलकाता के हमजिंस परस्तों ने एक तकरीब में बंधा। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शादी में एक बंगाली और मारवाड़ी फैमिली शामिल थी और वाज़ह रहे कि दोनों बरादरियों की रसूमात को बरकरार रखा गया था। जोड़े की फोटोग्राफी टीम ने दोनों के लिए एक खसूसी पैगाम लिखा जिसमें बताया गया कि किस तरह दोनों के तमाम बेवक्त लम्हात को खूबसूरती से कैद किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने एक टीम के तौर पर मोहब्बत के इस जश्न में लाजवाब लम्हात को मुंजमद करने की कोशिश की है जहां दो बहादुर आदमी मोहब्बत और एक दूसरे की देखभाल करते हुए बाहर आए, अपने वरमालों का तबादला किया और एक दूसरे को अपने खानदानों की गर्मजोशी और आग के साथ रखने का अहद किया। रियासत उत्तराखंड में यकसां सिविल कोड के लिए सरगर्मियां तेज कर दी गई हैं। इतलात हैं कि सिलसिले में दिल्ली में पहली मीटिंग हुई। इजलास के बाद मुतलिका कमेटी की चेयरपर्सन रंजना देसाई ने कहा है कि इस मीटिंग में सिर्फ बुनियादी इश्यूज पर तबादला ख्याल हुआ। इस दौरान इसके असरात दायरे और आईनी व कानूनी पहलुओं पर बातचीत हुई, जबकि दिल्ली या देहरादून में दूसरी मीटिंग 14 या 15 जुलाई को हो सकती है। वाज़ह है कि उत्तराखंड में यकसां सिविल कोड नाफिज किए जाने से मुतालिक कार्रवाई को पेश नजर रखते हुए एक कमेटी तश्कील दी गई है। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और जीरो साइज की सबसे बड़ी रेंज, मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियो मॉल एंड मलकपेट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।